अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और अभी यहाँ पे एक हमारे दोस्त आए हुए थे, ये दोस्त तो नहीं बच्चा है अपना, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई से भी छोटा है। छोटे हैं और ये हमारे उस्ताद हैं सर। और आज का जो हमने टॉपिक रखा हुआ है, आजकल के नौजवान, तो हमारी ऐसे ही बात हो रही थी, मैंने इनसे पूछा कि क्या हालात हैं जामशोरों के, हैदराबाद के, क्योंकि मैं खुद वहां से पढ़ के आया हूँ, पास आउट होके आया हूँ। तो बस ऐसे ही गपशप हो रही थी, मैंने कहा चलो आ जाओ लाइव चलते हैं, लाइव गपशप करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे जफर भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आज इन्होंने हमारा बड़ा जबरदस्त वेलकम किया। और सखाफत तो सखाफत अपनी जगह, और साथ साथ जो है ना वो सिंध की जो एक मशहूर रवायत है मेहमान नवाजी की, वो यहाँ पर जो है उसमें किसी कोई कमी नहीं छोड़ी सर ने। और मैंने अभी जबरदस्त बिरयानी खाई है और हशाश बशाश हो गया हूँ सर। बिल्कुल और वो कहते हैं ना कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो तो पहले तैयारी वगैरह सब चीजें कर लो। तो मैंने इनको कहा कि पहले खाना वाना खा लो, सब चीजें करते हैं, फिर आपसे गपशप करते हैं इस बारे में कि मैं जहाँ से पास आउट हुआ हूँ, आप भी वहीं से आए हो, तो आप अमेरिका कैसे पहुंचे हो। क्योंकि ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक इंजीनियर हैदराबाद से ताल्लुक, और दूसरा ये कि आप वहां पे रहते हुए आपको कैसे ख्याल आया कि मैं यूएनओ का यूथ एम्बेसडर बनूं या वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी बड़ी कंपनी। एक होता है ना एरिया का बैंक, मुल्क का बैंक, रीजनल बैंक, ये इन्होंने तो वर्ल्ड बैंक में भी जाके परफॉर्म किया है, तो उसी के बारे में चले पूछता हूँ इनसे आज। तो भाई जान जी बताओ, मोतबर अली, सर, अपना थैंक तारुफ करवाओ, मुझे भी बताओ और मेरे दोस्तों को भी बताओ। यू सो मच सर। और मोतबर अली शेख मेरा नाम है, हैदराबाद सिंध से हूँ। और बेसिकली स्टार्टअप एजुकेशन जो है वो हैदराबाद से ही ली, सही, और प्राइमरी टू इंटरमीडिएट, देन आफ्टर डेट ये ख्याल आया कि कुछ मजीद जो है ना वो पढ़ाई की तरफ आगे जाना चाहिए, सही, क्योंकि आई एम बिलोंग टू इंजीनियरिंग फैमिली लाइक दिस, आई एम थर्ड इंजीनियर फॉर माई फैमिली। सो जब बड़े भाइयों को देखा कि वो किसी फील्ड में जा रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई टीचर बन रहा है, और एक भाई मेरा जो है वो यूके गया मास्टर्स के लिए, तो मेरे लिए वही जो है मेंटर थे और वही मेरे जो है मतलब फ्यूचर गोल्स थे कि जैसा मेरे भाई कर रहे हैं मुझे भी उनको फॉलो अप करना है। तो फिर ऐसा हुआ कि ऑलरेडी भाई मेहरान में पढ़ रहा था, सही, तो आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने सोचा, मेरा जो आइडियल थे वो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अच्छा ही इज ही वाज आल्सो मेटलर्जिस्ट और एटॉमिक साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान, किसी दारुफ के मोहताज नहीं। तो वो जब आइडियल पर्सनैलिटी थी तो उनकी फील्ड भी का पता लगाया कि वो किस फील्ड में है। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है वो दिसंबर का दिन था, और जब अखबार आया न्यूज़पेपर उसमें जंग में, तो उनका एक आर्टिकल आया ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी चीज़ मतलब जहाज से लेकर सुई तक आप इस फील्ड के बगैर नहीं बना सकते। पता लगाया फील्ड क्या है, वो पता लगा मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है। फिर इस फील्ड में पता लगाया कि ये फील्ड जो है कहाँ पे जो है ना वो इसकी स्टडीज जो है ना वो या पढ़ाई जा रही है ये फील्ड, तो सिंध में 3 से 4 यूनिवर्सिटीज जो है ना वो सामने आई, जो नियरेस्ट वन थी वो मेहरान यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, फिर सही, मेहरान यूनिवर्सिटी को गोल बनाया और वहाँ पे दाखिला हुआ, प्रोफेशनली जो है ना वो इंजीनियर बने 4 साल बाद। अगर उसमें 4 साल के अंदर चले गए तो कहानी लंबी, बहुत हाँ लंबी हो ये बताओ कि जाएगी। अमेरिका का कैसे शौक जाएगा। साई बस फिर उसके बाद ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में ही जो है ना वो सोशल वर्किंग में हम एंटर सही हो जाते हैं। सही सोशल वर्किंग में सारा क्रेडिट जाएगा सर रिजवान जाफर को, सही है, जो हैदराबाद में आए और हमारी यूथ को मोटिवेट किया, और हमारे कुछ दोस्त जो है वो सही, इसके मेंबर थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने भी हमें मेंबर बनाया और जो है ना गाइड किया कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप अपने कंट्री को जो है ना नेशनल लेवल पर एड्रेस कर सकते हो बीइंग अ डिबेटर, और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटीज जो है ना वो एक्सचेंज प्रोग्राम्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। सही, तो इसके साथ साथ ये हुआ कि मेहरान यूनिवर्सिटी के साथ सोशल वर्किंग में इंटर हो गया, एज अ वॉलंटियर 2012 में मैं यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का मेंबर बना। सही तो मुख्तलिफ इवेंट्स होते गए, कराची हैदराबाद आना जाना रहा,
ऐसे लोगों से मिलते थे जो जिनकी प्रोफाइल से काफी जो है ना इंप्रेस होते थे, और वो यूथ एम्बेसडर होते थे, वो सीईओ होते थे कंपनीज के, तो वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते थे हमसे सही कि हम इस लेवल तक कैसे पहुंचे हैं। तो कुछ सक्सेस स्टोरी हमने अपनी लाइफ गोल्स में एंटर की कि हमें भी जो है ना उसी तरफ जाना है। तो फिर यूँ होता है कि वर्ल्ड बैंक की एक अपॉर्चुनिटी आती है उस समय, और इसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे ये हो रही थी। वाशिंगटन डीसी में 2017 था, और अर्ली मॉर्निंग जो है जब मैं देखता हूँ मोबाइल में, तो एक ईमेल आई हुई थी इनविटेशन लेटर के साथ। अच्छा यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद थोड़ा सा टफ टाइम तो चल रहा था, जैसे हर इंजीनियर फेस कर रहा होता है, सीवीज को ड्रॉप करना, इंटरव्यूज। ऑलरेडी एक इंटरव्यू मेरा हो चुका था एक कंपनी से, मैंने रिजाइन किया था किसी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी में जो जब मैं जा रहा था, तो उधर इंटरव्यू हो गया था, मैं उनकी ज्वाइनिंग कॉल का वेट कर रहा था। तो उसी दौरान एक ईमेल रिसीव होती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। जब देखा जाता है तो वर्ल्ड बैंक का एक इन्विटेशन होता है एज अ यूथ एम्बेसडर, वो मुझे पाकिस्तान से सेलेक्ट किया है उन्होंने। तो फिर मैं अपने भाई से शेयर करता हूँ, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो यार सुबह से बाहर नहीं निकले तो मुल्क से बाहर कहाँ जाएंगे। तो भाई ने सही कहा कि भाई चलो वीजे के लिए अप्लाई करो, मैं कोई प्रोफाइल नहीं, ना स्टेटमेंट ना कुछ। और अमेरिका, यहाँ तो लोग लाखों रुपया लेके बैठे हुए हैं, सही वो बात अमेरिका नहीं पहुंच रहे, तो मैं एक हैदराबाद लतीफाबाद से करोड़ों कैसे भाई करोड़ों लेके बैठे हो आप बिल्कुल भाई कैसे पहुंच जाऊंगा। फिर फिर ये होता है अपॉइंटमेंट ली जाती है एम्बेसडर कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट ऑफिसर पूछता है भाई क्यों जाना चाहते हो, ये सारी चीजें पूछने के बाद उसको सेटिस्फाई करते हैं भाई वापस आएंगे, और एक पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान को एड्रेस करना है। तो आफ्टर दैट शी सेटिस्फाइड एंड शी इशू मी अ वीजा, एंड आफ्टर 1 वीक वीजा मेल टू पीआई ऑफिस सही हैदराबाद। तो उसके बाद अच्छी तरह से याद है कि एक 15 से 20 हजार वाली कचाड़ा बाइक जिसमें जब मैं जा रहा था पासपोर्ट रिसीव करने के लिए भी, तो उसमें भी जो है ना वो पेट्रोल था, जो बात है खत्म हो गया था। अच्छा सही है, हालात टफ थे, चौक उठा के पूछे वहां पे ठीक है, वो नहीं और किया, वो जो रोड पे लेटाते हैं बाइक को। वो पहले चौक उठा दी, जब वापसी आया तो फिर लेटा लिया था पीआई ऑफिस। अच्छा तो उसके बाद पहुंचे, फिर देखे जा रहे आधा घंटा तो वीजे को ही देखा भाई, कहीं हाथ हाथ लगाया सही है। आज बस लगाया, तस्वीरें खींची, सेल्फी वगैरह बनाई, दोस्तों से शेयर की, भाई बंदा सही जा रहा है कल से, भाई हार लेके 2 से यार पहुंच गए कि यार आ गया भाई बंदा मैदान में ना। सही है, पता नहीं था कि भाई एकदम जो है ना वो जिंदगी में चार चांद लग गए, पहुंचे नहीं थे लेकिन चार चांद लग चुके थे। हकीकत है। तो बस फिर पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक में एड्रेस किया एज अ यूथ एम्बेसडर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे थी कॉन्फ्रेंस, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 400 यंग लीडर्स थे, और उसमें मैं पाकिस्तान से था, एक मेरा दोस्त भी था वो बलोचिस्तान से था। तो वहाँ पे हमने अपने लास्ट ईयर प्रोजेक्ट जो मेहरानी मस्जिद का था वो उस पे, क्योंकि वो लोग बेसिकली दुनिया के प्रोजेक्ट्स देखना चाहते थे, और फिर उनको जो प्रोजेक्ट समझ आएगा उस पे वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और वर्ल्ड बैंक के जो भी डायरेक्टर्स वगैरह वहाँ बैठे हुए थे, तो वो फिर उस पे इन्वेस्ट करते हैं। सही तो इस वजह से तो इन्वेस्ट हुआ, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट पे तो नहीं, फर्स्ट पोजीशन किसी और की थी, लेकिन हमारे लिए यही अचीवमेंट थी कि हम यहाँ तक पहुँचे ना। हकीकत तो उसके बाद फिर दिल नहीं लगा, पाकिस्तान वापस चले गए, दोबारा जॉब स्टार्ट की, एजुकेशन लेवल पर काम किया, यूथ एम्पावरमेंट में काम किया, यूथ पार्लियामेंट्स के इलेक्शन लड़े। सही तो उसके बाद फिर एक अचीवमेंट अपॉर्चुनिटी आई, तो यूनाइटेड नेशन के लिए आ गए। एक बड़ा एक ड्रीम था कि पाकिस्तान को एज अ यूथ एम्बेसडर, पीस एम्बेसडर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना एड्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं थी जो मैं बता रहा हूँ ना, हकीकत है। ये आसान नहीं थी, ये इम्पॉसिबिलिटी। जब किसी को बताते थे, पूछते थे यार तुम्हारे कोई प्रोफाइल नहीं है, तुम नहीं जा सकते, यू कॉन्ट डू नथिंग, तो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो आपका रास्ता रोकेंगे, जो हकीकत है। आपको उस लेवल पे देखना नहीं चाहते कि आप कुछ कर सको। तो आपको उन सबसे जो है ना वो एक साइड पे रखना है, और आपको जो आपके जो दिमाग का, दूसरे अल्फाज में कहें जो ये दिमाग का जो कीड़ा है ना, सही इससे मतलब इस हटना नहीं है इससे, आपको अपने जस्तजू लगन में लगा रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक सम गोल्स कि मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को एक पेपर में बंदा लिखे,
मेरा गोल तो भाई मैंने लिखा था ड्यूरिंग इंजीनियरिंग लाइफ के पाकिस्तान को जब नेशनल लेवल पे एड्रेस कर सकते हैं कि क्यों ना इंटरनेशनल लेवल पे किया जा सके। सही। तो आपको इस लेवल तक आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में सोशल वर्किंग स्टार्ट करनी होगी, स्पेशली हमारे यूथ को। मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप किसी भी सेंस में किसी एनजीओ के साथ अटैच हो, आप आपके अंदर जो आप स्किल्स छुपी हुई है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करें किसी प्लेटफॉर्म में। जाहिर है आप घर बैठ के या दोस्तों में या जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो यूटिलाइज नहीं कर सकते ना, आपको एक क्राउडेड एक मजमा चाहिए जहां पर आप जो है अपनी आवाज जो है वो पहुंचा सकेंगे। तो जाहिर है वो आपके अपने प्लेटफॉर्म से तो नहीं पहुंचा सकते, अपने घर से या अपने अंकू के प्लेटफॉर्म, वो आपको एक एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जो आपकी आवाज सुनेगा और आपको जो है ना वो आपकी बात आगे तक पहुंचाएगा। तो वो मैं नहीं कहता कि आप यूथ पार्लियामेंट ही ज्वाइन करें तो, लेकिन यूथ पार्लियामेंट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन माय एरिया और इन आवर स्पेशली इन प्रोविंस सिंध, क्योंकि वो लोग यूथ एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं, वो यूथ को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और भी बहुत अच्छी एनजीओस हैं। आप बस किसी ना किसी साथ किसी के साथ अटैच हो जाए, बस वही बात है ना कि भाईजान कि अगर अपने सर्कल में अपने इर्द गिर्द के लोगों को अगर आवाज सुनाओगे अपनी तो वही उन्हीं लोगों तक पहुंचे, उन्हीं को लोगों तक पहुंचे। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हो तो आपकी आवाज फिर आगे तक पहुंच जाती है। और इसी का ही एक मैं मिसाल देता हूँ, जैसे अभी अगर कुछ अर्सा पहले मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ये वो या जो फेसबुक पे 1000-1500 दोस्त थे वही मुझे जानते थे, लेकिन जब से मैंने ये सोशल मीडिया और ये वो शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि चलो थोड़े बहुत 50-100 लोग सुन लेते हैं। नहीं बिल्कुल, आपकी आवाज सुनी जाती है और ये ही एक एग्जांपल मैं हूँ, ये आवाज ही थी जो सुन के यहाँ पे जो ना वो करते हैं। मैं नहीं जानता था और पिछले कितने 4-5 हम बातचीत कर रहे थे, बस फेसबुक पे थे कनेक्टेड और जो ना बातचीत चल रही थी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर जफर है उनका मैं नहीं भाई सर मैं नहीं हूँ, मेरा नाम नहीं है, बिल्कुल मैं कहता रहता हूँ भाई। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो आपने स्पेशली डिजिटल सिंध काम वाम और एंटरप्रेन्योरशिप पर जो आप काम कर रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट और पाकिस्तान में स्पेशली यूथ के लिए, जाहिर है अमेरिका जैसे सात समंदर पार बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे लाइफ बड़ी फास्ट है ना, सबके साथ अपनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेना पड़ती हैं, जाना पड़ता है, उसके बावजूद ये कुछ टाइम निकाल के अपने कीमती वक्त निकाल के पाकिस्तान की यूथ को दे रहे हैं। तो आप लोगों को भी चाहूंगा कि सर का शुक्रिया अदा करें कमेंट्स में, और मैं तो बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ भाईजान। अब मेरा एक और सवाल है, देखो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है ना, क्योंकि असल में मसला ये है कि हमें शुरू से ये कहा गया है कि हमारा मुल्क के जो गवर्नमेंट्स हैं या जो है सिस्टम चला रहे हैं वो गरीब है, शुरू से हमने फंडिंग देखी है। ठीक है, वही फंडिंग अवाम के दिमाग यूथ के नौजवानों के दिमाग में आ गई है। हम लोग यानी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बजाय उसके पीछे भाग रहे होते हैं, रोते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, जॉब्स के पीछे भागते हैं हम, यानी कारोबार की तरफ बहुत ही लिमिटेड लोग आते हैं, और जो आते हैं वो 25-30-35 साल तक इतने मेच्योर और फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो चुके होते हैं। आप देखोगे ना उन्हें जो ज्यादातर मोस्टली स्ट्रांग होते हैं वो तो वही होते हैं कि जो कारोबार कर रहे होते हैं। सही। नहीं तो अगर नौकरी पेशा लोग से पूछोगे ना, जब भी उसे पूछोगे 20-25 तारीख के बाद वो बोलेगा यार खलास हो गए, हैंड टू माउथ चल रहे हैं। तो मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आया और यहाँ आने के बाद जब मैंने लोगों से, लोगों की ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपसे यार आप अमेरिका में बैठे हो हमें सपोर्ट करो, ज्यादातर यानी कुछ तो आते हैं गाइडेंस ये लेने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यार ये गुर्बत है, ये गुर्बत है। तो एक मरतबा मेरे साथ ऐसे ही बंदे ने झूठ बोल के धोखा दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये इरादा किया था कि किसी को सपोर्ट करने के बजाय क्यों ना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए, उसका माइंड सेट थोड़ा सा चेंज किया जाए। है थोड़ा मुश्किल टफ, ठीक है, लेकिन नाम तो वैसे खतरों के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म जो आपने स्टार्ट करें और ये जो है नस्लें नस्लें जो आने वाली हैं हमारी यूथ की
उनके लिए भी एडवांटेज साबित होंगी, और जो करंटली यूथ फेस कर रही है प्रॉब्लम्स, तो वो उनके लिए जो है ना वो बिल्कुल। अब ये बताओ कि यहाँ आए हो और मैंने देखा कि एडमिशन में फर्दर स्टडीज भी जा रहे हो, क्या आगे का क्या प्लान है? आगे का सर यही प्लान है कि इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और खुद को इस लेवल पे करेंगे कि किसी के काम आ सके इंशाल्लाह। तो वो कहते भी हैं कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है अमेरिका, तो वो तो है भाई जान, यहाँ पे तो पत्थर भी फेंको ना वो भी फट पड़ के बाहर। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी देखे कि वो अमेरिका उनको समझ नहीं आया ना, मतलब वो अमेरिका को कैश नहीं कर पाए। तो बात इस वीडियो से पहले मेरी एक बात हो रही थी, बड़ी अच्छी बात बोली सर ने, बंदों का एक माइंड सेट होता है ना, वो उस बाउंड्री से बाहर निकलना नहीं चाहते, उन्होंने एक थिंकिंग अपनी बना ली है कि वो यहीं तक रहना है। तो अगर आप माइंड सेट एक बाउंड्री से निकल के आप आगे सोचोगे तो उसके बाद भी एक दुनिया है, और दुनिया बिल्कुल गोल है, गूगल है, सारे इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, इसको एक्सप्लोर करना है हमें ना, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है। अपॉर्चुनिटीज घर पे आई हुई है, मैं भी तो एक घर से ही अप्लाई करके निकला हूँ ना सही, 8 नंबर से अप्लाई किया है वर्ल्ड बैंक में, वहां से लेटर आया है। नहीं ये बताओ 8 नंबर क्या है? ये 8 नंबर ही हमारे घर है ना लतीफा, 8 नंबर 8 नंबर। तो आज हो सकता है कुछ लोग वहां से हो सुन रहे हो, तो ये हैदराबाद की एक यूनिट है सही। तो मेरा कहने का मकसद है कि स्मॉल टाउन से हर कोई, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके लिए आपको डिफेंस में होना लाजमी है, या आप बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो, या जो है ना आपके बैक पे सपोर्ट हो फाइनेंशियली, तो आप जरूरी नहीं आपके, आई हैड नो फाइनेंशियल सपोर्ट एट दैट टाइम, जस्ट ओनली आई हैव अ वीजा प्रोसेसिंग फीस, देन कोशिश की रास्ते बनते गए। तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान को यूएन में एड्रेस किया, तो वो था एक टॉप ड्रीम ना, वहाँ पे सोशल वर्किंग एंड हो गई थी मेरी, बस मैंने सोच लिया था एंड, उस सेंस में हो गई थी कि यार मजीद अब अपने लिए कुछ नहीं करना, अब डिलीवर करना है, मतलब मैं वो जो मेरा एक गोल था यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को एड्रेस करने का या उस लेवल पर जाने का, वो कम्प्लीट हो गया। नाउ द जो टाइम है वो है दूसरों के लिए, तो इंशाल्लाह जो है ना वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके साथ भी और मुख्तलिफ सोशल एनजीओज के साथ क्रिएट कर रहे हैं, और हमारा भी लर्निंग फेस है, पढ़ रहे हैं, जो है ना जो सीखा है वो दूसरों को बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक लेवल ऐसा भी आएगा कि अपनी जात से किसी को जो है ना वो फायदा दे सकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाईजान जरूर, और इंशाल्लाह हम ऐसे मजे मजे के प्रोग्राम लाते रहेंगे आप दोस्तों के लिए, जब तक हमें इजाजत दें, और इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन मैं प्रोग्राम करता रहूंगा। अब ये तो पकड़ लिया मुतबर को, बिल्कुल अब हम जुड़ गए हैं सर के साथ, और मैं इनका समझ लें यूनाइटेड नेशन का यूथ एम्बेसडर था, मैं सर का जो है ना यूथ एम्बेसडर। बड़ी मेहरबानी भाईजान, और काफी दोस्त हमें इस वक्त देख रहे हैं, कमेंट भी किया है, बाकी इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।